नेचर जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ज्यादा खतरनाक भी है। मॉडर्न डे इंसानों को लगता है कि वो इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि वो नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचर ने हमेशा सर्दी गर्मी और बरसात से इंसानों को याद दिलाया है कि वो कितने ज्यादा कमजोर हैं। आज बात करेंगे ऐसी ऐसी 10 घटनाओं की जब तापमान कई गुना ज्यादा बढ़ जाने से पूरी दुनिया त्रस्त हो गई। पिघलते हुए पर्वत, खौलता हुआ समुद्र और जलता हुआ इंसान। तो आइए जानते हैं उन भयानक गर्म घटनाओं के बारे में। नंबर 10, फर्नेस क्रीक रैंच डेथ वैली। दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए तापमान में से एक था 130 डिग्री सेल्सियस, जो कि फर्नेस क्रीक रैंच में रिकॉर्ड किया गया था। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना ज्यादा गर्म है। इंडिया में जब 40 डिग्री तापमान हो जाता है, हम कहते हैं कि ये कितनी ज्यादा गर्मी हो गई है। डेथ वैली में रिकॉर्ड किया गया ये तापमान यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। वैसे तो डेथ वैली में तापमान कभी भी ठंडा नहीं रहता, लेकिन इतनी गर्मी वहां कभी नहीं पड़ी। 3 दिन तक लगातार तापमान 56 से 57 के बीच था और लोगों के पास राहत का कोई जरिया भी नहीं था। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वक्त था 1913 का, जब पंखे भी नहीं थे और टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग जिंदगी भर के लिए बीमार पड़ गए। नंबर 9, टिम्बक्टू माले। नासा लगातार सैटेलाइट्स की मदद से धरती का तापमान नापती रहती है। ये धरती के किसी भी हिस्से का तापमान पिन पॉइंट से मेजर कर सकती है। ऐसे में नासा ने जब अचानक टिम्बक्टू का तापमान नापा तो सभी सकते में आ गए। टिम्बक्टू वैसे तो एक गर्म जगह है, लेकिन यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ दिन में तापमान 50 से 60 डिग्री के बीच में रहता है। टिम्बक्टू दुनिया के सबसे गर्म 5 देशों में से एक है। टिम्बक्टू के लोग अब वहां से वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहां वाटर सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है और रेगिस्तान के किनारे होने के कारण अक्सर ये लोग रेत में दबे रहते हैं। नंबर 8, लड डेजर्ट ईरान। ईरान का लड डेजर्ट दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ लगभग हर समय रेत का तूफान फैला रहता है और यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी रहती है कि यहाँ आने वाले जिंदा नहीं बच पाते। यहाँ वैसे तो सामान्य तौर पे तापमान 55 से 60 के बीच में ही रहता है, लेकिन यहाँ हाईएस्ट 70 डिग्री सेल्सियस तापमान साल 2005 में देखा गया था। रात में इस जगह का तापमान बुरी तरह गिर भी जाता है। यहाँ रात में भयानक ठंड पड़ती है और दिन में भयानक गर्मी। अगर आप यहाँ आते हैं तो गर्मी ठंडी के साथ मिराज का भी सामना करना पड़ेगा, जो कि यहाँ के लोगों को अक्सर परेशान करके रखता है। नंबर 7, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। समुद्र के बारे में आम लोगों की सबसे ज्यादा गलत धारणा यह है कि समुद्र तो अक्सर ठंडे ही होते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के कारण समुद्र बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं। ये समुद्र में लगे किसी गीजर की तरह समुद्र को लगभग हर समय गर्म करके रखते हैं। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स मैग्मा के कारण बनते हैं। मैग्मा को आप आसान भाषा में समुद्र के अंदर मौजूद ज्वालामुखी समझ सकते हैं। यह ज्वालामुखी जब फटते हैं तब अजीब केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि इनसे निकलने वाला मैग्मा 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का होता है और जहां पर ये फटते हैं वहां का तापमान अक्सर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। निकलने वाले मैग्मा से सबसे पहले तो वहां मौजूद जीव जंतुओं की मौत होती है, क्योंकि वहां का तापमान 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहां मौजूद पेड़ पौधे भी खत्म हो जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी क्रीचर्स हैं जो कि वहां जिंदा बच जाते हैं और इंसान उनके बारे में 1% भी नहीं जानता। नंबर 6, वाडी हल्फा सूडान। इजिप्ट का पड़ोसी सूडान और उसका शहर वाडी हल्फा अपने कम अट्रैक्टिव पिरामिड इत्यादि के लिए जाने जाते हैं। कम अट्रैक्टिव इसलिए क्योंकि बगल में मौजूद मिस्र इस मामले में सूडान से काफी आगे है। जिस मामले में इजिप्ट सूडान से पीछे है वो मामला है गर्मी का। सूडान दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है और खासकर वाडी हल्फा। यहाँ पूरे साल 35 डिग्री तक का तापमान रहता है और यहाँ अधिकतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। आप इन आंकड़ों को देखकर केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। रेत से पटा हुआ ये शहर यहाँ आने वाले टूरिस्टों के लिए भी घातक साबित होता है, इसलिए वो अक्सर यहाँ आने से बचते हैं। यहाँ कुल 15,000 लोग रहते हैं और हीट के हिसाब से ये जनसंख्या काफी ज्यादा है। नंबर 5, गडामिस लिबिया। लिबिया का गडामिस शहर वैसे तो अपनी बिल्डिंग्स और अपने आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और काफी ज्यादा सुंदर भी है, लेकिन फिर भी यहाँ टूरिस्ट आने से बचते हैं। वजह है यहाँ पड़ने वाली गर्मी। यहाँ सामान्य तापमान 40 डिग्री तक रहता है, लेकिन यहाँ अधिकतम 60 डिग्री तापमान तक रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ सर्दी भी पड़ती है और जब यहाँ सर्दी पड़ती है तब यहाँ का तापमान इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब सर्दी पड़ती है तब यहाँ तापमान माइनस में चला जाता है। अपने एंशियंट फोर्ट इत्यादि के साथ ये शहर एंटीक तो है, लेकिन इसे इसके हिसाब से टूरिस्ट अक्सर नहीं मिल पाते। नंबर 4, लंदन मेल्टिंग स्काईस्क्रेपर। लंदन जैसे शहर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना वैसे तो हैरानी की बात है, क्योंकि यहाँ अक्सर ठंड ही रहती है, लेकिन लंदन में भी अब गर्मी पड़ने लगी है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या होने लगा है आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
फिलहाल यहाँ गर्मी नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल है। अपने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा। स्काई स्क्रेपर उसी एक्सपेरिमेंट की तरह है। स्काई स्क्रेपर में लगा ग्लास सनलाइट को प्रोजेक्ट करता है और उसके बाद सनलाइट तेजी से सामने किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ते हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरह से इस कार का साइड मिरर पिघल रहा है। अगर आप कभी लंदन जाएं तो इस बिल्डिंग के सामने अपनी कार पार्क करने से जरूर बचें। नंबर 3, तुर्बत पाकिस्तान। पाकिस्तान में मौजूद तुर्बत दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है। यहाँ के लोगों को रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ का तापमान बढ़ने के सारे रिकॉर्ड तोड़ता ही चला जा रहा है। यहाँ दुनिया के सबसे हाईएस्ट रेजिडेंशियल तापमान को नोट किया गया है। यहाँ का तापमान एक बार 63 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, जो कि एक रेजिडेंशियल जगह के लिए निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ की लोकल मीडिया की बात पे यकीन किया जाए तो साल 1998 में यहाँ का सबसे ज्यादा तापमान 123 डिग्री सेल्सियस था। वैसे इस बात में सच्चाई नजर नहीं आती क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 2.5 लाख से भी ज्यादा है और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बाद जीना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर ऐसा होता तो तुर्बत में शायद ही कोई जिंदा बच पाता। इसलिए इस बात पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है कि तुर्बत में कभी इतना तापमान रहा भी होगा। हालांकि तुर्बत में 63 डिग्री खुद नासा ने रिकॉर्ड किया था, जो कि निश्चित तौर पर काफी गर्म है। नंबर 2, द गेटवे टू हेल, नर्क का दरवाजा। अगर किसी जगह का नाम इतना ज्यादा खतरनाक हो तो आप बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वह जगह कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। गेटवे टू हेल सच में मौत का दरवाजा है। 9 मीटर व्यास और 30 मीटर गहराई वाला यह गड्ढा पिछले 15 सालों से लगातार जल रहा है। तुर्कमेनिस्तान में मौजूद ये गड्ढा वीडियो में देखने में काफी छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत भयानक है क्योंकि इसके आसपास का तापमान इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सबसे भयानक ये है कि इसे खुद वैज्ञानिकों ने बनाया है। वैज्ञानिकों को लालच था कि वो यहाँ से प्राकृतिक गैसें प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन पृथ्वी के अपने अलग ही प्लान्स थे। नंबर 1, मित्री बैग कुवैत। दोस्तों, आप कितनी गर्मी की कल्पना कर सकते हैं? क्या इतनी गर्मी की सड़क पे पड़ा पानी कुछ ही मिनटों में खुद सूख जाए, या इतनी गर्मी की सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के शीशे खुद टूट जाए? लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि गर्मी से गाड़ियां जलने लग जाए? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था कुवैत में। कुवैत वैसे तो गर्म देश है, मिडल ईस्ट में बसा यह देश अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, बस इंडिया से थोड़ी ज्यादा पड़ती है। लेकिन यहाँ पिछले कई सालों में अक्सर तापमान 65 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाता है और पेड़ पौधों में आग लगनी शुरू हो जाती है। यह बहुत भयानक है क्योंकि आज जिस जगह पे कुवैत या अफ्रीका स्थित है वहाँ वर्षावन हुआ करते थे। वहाँ पड़ने वाली गर्मी दर्शाती है कि हम इंसान कितने ज्यादा फेल हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे गर्म जगहें। अगर आप खुद को और अपनी दुनिया को बचाना चाहते हैं तो पेड़ पौधे लगाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाने से पहले दोस्तों, जरा इन कार्स को देखिए। आपको क्या लगता है, ये कार्स रियल हैं या इनका ये हाल गर्मी से हुआ है, या फिर हैं ये फेक? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।